हाँ जी बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर टू। राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड्स हमारे पास चार तरह के होते हैं, किसी को पता है? एनीवन? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। चार कैटेगरीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन फोर्स, उनके बीच में फोर्सेस कैसी हैं उसके बेस पे चार तरह के होती हैं ये, ठीक है। सॉलिड्स की टाइप हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, काफी क्वेश्चन बनते हैं इसके, ये इनऑर्गेनिक में भी काम आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। चलो लिखो, राइट डाउन लिखो, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड The crystalline solids can be classified into following four types, depending upon the nature of intermolecular forces, operating in the पहली टाइप, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, और कौन सा बोला मैंने, मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। फोर्थ, देखो आप सभी ने पेपर दिए हैं, है ना, असाइनमेंट्स देखी होंगी, बुक में क्वेश्चन भी देखे होंगे, इसका क्वेश्चन आपको बहुत कम मिले होंगे, है ना, और पेपर में सोचा था कोई ऐसा क्वेश्चन डालते ही नहीं है वो, लेकिन ये टॉपिक बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी नीट में, मेंस में इसमें से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, आप लोगों में से किसी को पता है मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? एनीवन? कोई भी बच्चा बता सकता है? मोलर मास पे जो डिपेंड करता है सॉलिड। अच्छा, और मेटालिक सॉलिड? नहीं, ये मॉलिक्यूलर मास सॉलिड ना, ऐसा नहीं है। हाँ एक बात है, मॉलिक्यूलर मास पे इसकी फोर्स डिपेंड करेगी, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कह सकते जो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करे, एग्जैक्टली वैसे नहीं है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ठीक है, बेसिकली दो तरह ही है, दो टू टाइप्स हमारे पास, एक टाइप हमने खुद बनाई, ठीक है। कैसे? सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये लिखना अभी मत लिखना, ये आप लिख सकते हो अभी, ठीक है। पहली टाइप होती है नॉन पोलर सॉलिड्स, अगर मैं यहां पे CO2 लिख दूं या O2 लिख दूं तो ये एग्जांपल सही है या गलत, बोलो। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंडर O2 सही है गलत है, बोलो। सही है। कैसे? मैंने पूछा इसलिए। नहीं, ऑटो न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही, O2 नॉन पोलर हो गया, वेरी गुड। O2 न्यूट्रल होता है, O2 नॉन पोलर होता है, बिल्कुल सही, लेकिन O2 तो गैस होती है ना, हम यहाँ पे पढ़ सॉलिड रहे हैं, ऐसे ही है ना, तो लेकिन O2 को हम जब हाईली कंप्रेस करेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉलिड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम गैसेस को भी स्टडी करेंगे, राइट। मैं आपको गैसेस का भी थोड़ा बहुत बताता रहूंगा, ये सॉलिड हम बना सकते हैं, इसीलिए इसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में डिस्कस करते हैं, वेरी सॉफ्ट सॉलिड्स, ठीक है, जैसे CO2 गैस। अभी मैं लिखवाऊंगा बच्चे, लिखना, ठीक है, अभी लिखवाता हूं। नॉन पोलर सॉलिड्स,
और थर्ड आ जाएगी कैटेगरी, मैं कह रहा था थर्ड कैटेगरी हमने खुद बनाई है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि पोलर के अंदर से आएगी कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इधर लिख देता हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। चलो अब हम लोग सबसे पहले करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट डाउन मॉलिक्यूलर सॉलिड, हरियर राइट डाउन, चलो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं आपस में वो क्या हो, मॉलिक्यूल्स, राइट। लेकिन इसी के अंडर हम पढ़ लेंगे इसको, ध्यान से देखना, एक्सेप्शन है, देखो बुक में ना इस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं की है, हीलियम नियोन ये तो मोनोटॉमिक है ना, इसको भी इसी के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड वो हो गए जिसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो, एटम का सिर्फ एक ही गैस हो सकता है पॉसिबल है, कौन सा, नोबल गैसेस का, ठीक है, राइट डाउन लिखो, दीज आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, दीज आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इन विच दीज आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, स्लैश डाल के ना एटम्स लिख लो, बुक में लिखा नहीं हुआ, इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, स्लैश डाल के एटम्स लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो नोबल गैसेस, स्लैश डाल के एटम्स लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो नोबल गैसेस, राइट। मॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉन पोलर पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इनको हमने डिस्टिंग्विश कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्वियसली फोर्सेस, अगर पोलैरिटी अलग अलग होगी तो फोर्सेस अलग अलग होगी, है ना, ये मैं आपको सारा डिटेल में कराने वाला हूँ टॉपिक। नॉन पोलर में क्या होता है बच्चे, रैंडम फोर्सेस होती है, कैसे जनरेट होती है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, इससे मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी भी लिखवाऊंगा, आराम से करेंगे, ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट राइट डाउन हरियर। The molecules are held together. थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ साथ में, देखो जैसे नॉन पोलर ना अभी आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे आप लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं लेकिन आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि नॉन पोलर के बीच में डिस्पर्जन फोर्स होती है, लंडन वंडरवाल फोर्स है, कहाँ से आई नहीं, ठीक है, तो उन सबको हम पढ़ेंगे, राइट। चलो देखो The molecules are held together by dispersion forces. The molecules are held together by London forces, या dispersion forces or London forces. Comma डाल के लिखो dipole dipole forces or hydrogen bonds. These are further divided into the following categories. बच्चे मैं थ्योरी कम लिखवाऊंगा, ठीक है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करो, ये लिख लेना है ना, क्योंकि मेरा काम है समझाने का, मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, थ्योरी लिखवाने बैठ के आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। ये तीन कैटेगरी से बच्चे लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो साथ में आपकी मर्जी है, जैसे पोलर में आ जाएगा HCl, इसमें आ जाएगा H2O, NH3, HF, लिखो। हाँ जी हाँ बच्चे, डेफिनेशन मैं आपको पहले, आप लोग इसको तीन बार लिख लो, तीनों लिख लो, फिर अलग से लिखवाऊंगा मैं अभी, ठीक है, फिर बताता हूँ मैं कैसे करना है, आप लोग ये लिख लो 1 2 3, मैं शुरू से करवाऊंगा, यस करो।
नाउ राइट डाउन फर्स्ट. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स राइट डाउन. मैं समझाऊंगा, थ्योरी पढ़ना बहुत मजा आएगा पढ़ के, ठीक है? समझाऊंगा ज्यादा दूर. देखो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, इसे बोलते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, दो तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे पास कोवेलेंट में. दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से? प्योर कोवेलेंट और इनप्योर ने बोला पोलर कोवेलेंट. ठीक है, ये प्योर कोवेलेंट. प्योर कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि इसमें कोवेलेंट करेक्टर 100% के आसपास होगा, है ना? 100% ही होगा, राइट? आयनिक करेक्टर जीरो ऑलमोस्ट. ठीक है, तो होगा क्या, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे कोई चार्ज नहीं है ना. तो इसका मतलब ये हुआ O2 के मॉलिक्यूल की O2 के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, है ना? इसीलिए ये गैस स्टेट में, राइट? तो फिर लेकिन मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं, कंप्रेस कर सकता हूं, इसका मतलब इसके बीच में फोर्सेस है. तो वो फोर्सेस, जो थोड़ी सी फोर्स है, वो कहां से आई? देखो होता क्या है, ये एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? जब घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एटॉमिक ऑर्बिटल का, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, इसके न्यूक्लियस के सामने आ जाएगा. ठीक है, जब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के सामने आ जाएगा, तो यहां पर होगी डिस्टॉर्शन. ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और यहां पर होगी डिस्टॉर्शन. यहां नेगेटिव, यहां अपने आप डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा डेल्टा. ठीक है, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल. तो इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल के कारण यहां पे फोर्स एग्जिस्ट करेगी. कौन सी फोर्स? लंडन फोर्स. ठीक है, बहुत ही डाइपोल जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए ये इंटरेक्शन बहुत कम है. गैस मॉलिक्यूल्स गैस के 50 डिग्री पे भी ले जाओ, -50 पे भी ले जाओगे, तब भी फोर्सेस हैं नेगलिजिबल. ठीक है, तो ये फोर्स बहुत सबसे ज्यादा वीक होती है, राइट? कर लो, ये बना लो साइड पे, और थोड़ी सी थ्योरी की जगह छोड़ देना और खुद रीड करना, अच्छे से कर लो. ठीक है, कर लो. हाँ जी स्टूडेंट्स, बोलो इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एनीवन, आप लोगों को आंसर पता है, आई नो. बोलो बोलो. हाइड्रोजन का सर? ना ना ना, Cl2 का. हाँ, Cl2 का. साक्षी, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपसे सरफेस मिस में पूछा था, तब भी आपने आंसर सही दिया था, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वैसा मेरे को याद है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? मैंने तब भी बताया था, आज भी बताऊंगा, आप लोगों को याद है. ऐसा क्यों होता है, Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? बोलो. देखो बात सुनो, जो मैं कर रहा हूं ना उसको ध्यान से देखो सारे बच्चे. ये छोटा है क्योंकि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. अब बनाते हैं क्लोरीन का, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा नहीं. ये बड़ा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं. अब बच्चे हो क्या रहा है,
साइज बड़ा हुआ है ना, साइज बड़ा होने से फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती है। कैसे? देखो साइज बड़ा हुआ इसका, इसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कमजोर हो गई, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्डर में ये जो न्यूक्लियस है इसका इफेक्ट यहां पे कम हो गया, तो ये डिस्टॉर्ट ज्यादा होएगा, कुछ ऐसे। और अगर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी तो क्या होगा चेंज? मोर द डिस्टॉर्शन इट मीन्स मोर द पोलराइजेशन एंड मोर विल बी द स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्स, राइट। तो जितना बड़ा साइज होता है, अब आपको ये पता लग गया, आप लोगों ने एक लाइन आपको पता होगी कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती है, काफी जगह आंसर भी लिखते थे पहले में। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चे, जैसे हम चेन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनिक कर रहे हैं मीथेन इथेन, तो हम लोग कह रहे थे इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों? वंडरवॉल फोर्स साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से होता क्या? ये होता, ठीक है, फोर्सेस बढ़ जाती है। ऐसे जो डायपोल होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, जैसे जैसे मास बढ़ेगा उससे स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी। आया समझ? बोलो यस यस सर। राइट डाउन, ग्रेटर द साइज या लार्जर द साइज, लिखो लार्जर द साइज ग्रेटर विल बी द डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल लिखो, ग्रेटर विल बी द इंस्टेंटेनियस डायपोल फॉर्म, ग्रेटर विल बी द इंस्टेंटेनियस डायपोल फॉर्म, या कॉमन डाल के लिख लो, कॉमन डाल के ये भी लिख लो, दैट इज मोर विल बी द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मोर विल बी द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड हेंस stronger will be the force and hence stronger will be the force, ठीक है। इसके characteristics पढ़ लेना, मैं आपको सुना देता हूं। They are generally soft, they have low melting points, ठीक है, they are usually liquid or gaseous at room temperature, ठीक है बच्चे। दे आर नॉन कंडक्टर्स, नॉन पोलर है तो नॉन कंडक्टर होंगे। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक वर्ड खुद लिख लोगे ना, लिख लो, लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पे बस कुछ नहीं लिखना, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे, ठीक है, ये कर लेना, ओके। चलो नाउ पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट डाउन कैटेगरी टू पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर में क्या होता है? बॉन्ड पोलर होता है ना, पहले से ही, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एचसीएल, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे ये कौन सी फोर्स है? डायपोल, डायपोल। Yes? हाँ जी, देखो ये HCl, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, HCl, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ये कौन सी फोर्सेस है बताएगा कोई बच्चा? कौन सी फोर्सेस? हाँ डायपोल, डायपोल ही है। अच्छा ये फोर्स स्ट्रॉन्ग की तरह इधर स्ट्रॉन्ग है, इधर स्ट्रॉन्ग है, बताया नहीं किधर, इधर स्ट्रॉन्ग है, इधर स्ट्रॉन्ग है, इधर एक, इधर एक है, इधर तीन दिखाया, बोलो बोलो बच्चे, समझ नहीं आया लगा। डायपोल, डायपोल स्ट्रॉन्ग
मैं कह रहा हूं ये स्ट्रांग है या ये स्ट्रांग है, बताओ। ओ, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने ऐसे पूछा था जनरली तुम लोगों को आसान है हंसाने के लिए। ये सेम है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन लगती है तो HCl, ये भी HCl है, ये भी HCl है, ये भी HCl हो गई थी, ठीक है, आया समझ। मैंने यहाँ पे लंडन फोर्स लिख दिया गलती से, ये गलती से लिखा हुआ है, इट्स डाइपोल डाइपोल, बस कुछ भी लिखवाते जाओ, है ना, डाइपोल डाइपोल है, कहते ऊपर स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल डाइपोल है, बच्चे कर लो। चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, इनका जो हमारे नॉन पोलर सॉलिड्स है उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और इनके जो आयंस बनेंगे जैसे H+ Cl एक्वस में तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, ये पॉइंट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लेना। राइट डाउन नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं जैसे NaCl है, ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी लिख लो और उन दोनों उनकी आपको लिखनी है, ठीक है, इसकी लिखो। आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ, आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ, आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस अरेंज्ड इन अ arranged in a regular manner, arranged in a regular manner throughout the solid. और ये पता है आपको आयन के बीच में कौन सी फोर्स होती है, कूलम्बिक फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, लिख लो ये भी। The ions are held together by, the ions are held together by strong electrostatic forces. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, आयनिक सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते आ रहे हो पहले से, ठीक है। थर्ड मेटालिक सॉलिड्स, सर आपकी की वीडियो पॉज हो गई। मेटालिक सॉलिड्स अपने डी ब्लॉक में क्यों है ना, कौन क्या कैसे होते हैं, इसमें कर्नल्स होते हैं यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में वो फ्री होते हैं और वो एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं, लाइक दिस, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम आयरन राइट और भी बहुत कुछ भी ले सकते हो कोई भी मेटल, ठीक है बच्चे, इसे बोलते हैं मेटालिक मेटालिक बॉन्डिंग, राइट। राइट डाउन लिखो, इन मेटालिक क्रिस्टल्स, इन मेटालिक क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस ब्रैकेट में लिखो कर्नल्स, immersed, immersed in a sea of, ये मैं आपको समझाता हूं वर्डिंग क्या है, in a sea of mobile electrons, ठीक है, मैं मोबाइल बोल रहा हूं, मोबाइल ही होता है, मोबाइल नहीं होता है ना, mobile electrons, बच्चे इसको समझो, ये लाइन इसका मतलब पता क्या है, sea of electrons बोल दिया उसने, वो कह रहा है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मेटल में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहता है इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे और बीच में जो आयन होंगे है ना
वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, है ना, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, अपने आप बाउंड होंगे, राइट। लिखो आगे, द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मेटल आयंस, दस लिखे, लिखो दस, दस द फोर्सेस प्रेजेंट, दस द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मेटल आयंस आर, बिटवीन द मेटल आयंस आर मेटालिक बॉन्ड्स, आर मेटालिक बॉन्ड्स। और ये आपको पता है कि काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, राइट डाउन कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, फोर्थ कैटेगरी। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड तो इसमें भी है, ये गैस है, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें भी है, ये भी गैस है, लेकिन कोवेलेंट जब नेट्रॉन बनाता है ना तब वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, एक के बाद एक के साथ एक जोड़ा होता है, फॉर एग्जांपल डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, फुल रेन, इसके जितने भी अपने एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, फॉस्फोरस के जितने भी होते हैं, जैसे P4, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, सारे ये बच्चे क्या है, नेटवर्क सॉलिड्स। और ये कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, इनके स्ट्रक्चर्स आपको नहीं आएंगे, राइट, ये लिख लो। ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, बैड हॉस्पिटल लिखते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा कि ग्रेफाइट में क्या होता है, बच्चे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कार्बन तीन बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन तीन बॉन्ड बनाता है, sp2 हाइब्रिड होता है, एक बॉन्ड बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, इसीलिए ये सॉफ्ट भी होता है, राइट। तो मैंने आज और भी काफी कुछ करवा था लेकिन यहीं तक हो पाया, कोई बात नहीं, कल बच्चे आपके दो लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है, 2:15 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2:15, राइट, और अपना होमवर्क करके मेरे को भेज देना। Thank you.